जोग्राफ़ी ऑप्शनल के डे वन की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा जोग्राफी का पूरा सिलेबस है और साथ ही साथ में किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिलेबस को एक बार गो थ्रू करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी जोग्राफिकल टर्म्स हैं जो की वर्ड्स हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं जो प्रॉब्लम्स के दौरान में भूल गए हैं वो सब एक बार ब्रश अप हो जाएंगे और पास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखने से हमें यह आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक को कितना ज़्यादा डेफ्थ में जा के पढ़ना है किस एरिया में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ पर हमें कंटेम्प्रेरी नेचर लेकर के आना है केस स्टडीज़ लिखनी है कहाँ एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करना है एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से आइडिया लग जाएगा स्टार्ट करेंगे लेकिन एक दो बातें पहले पहली चीज़ जो ये हम लोगों की रिवीजन सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग कंसेप्ट को रिवाइज़ करेंगे पास्ट ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आंसर राइटिंग कैसे करें ये भी डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और लेकर के प्रैक्टिस करेंगे जो डेली बेसिस पर हम लोग आंसर्स के फॉर्मेट में लेकर के आएंगे इस क्लास की जो टाइमिंग कंसेंसस से हुई है वो है 8 पी जनता ने बता रखा है 8 पी से क्लास करते हैं तो 8 पी एम ऑनवर्ड्स वी विल ट्राई टू स्टार्ट द क्लास दूसरी चीज़ जिन लोगों को भी YouTube मेंबरशिप लेने में प्रॉब्लम आ रही है या तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ अल्टरनेटिव ढूंढते हैं हालांकि ये तो कम्प्लीटली गूगल के द्वारा ही मैनेज किया जाता है लेकिन कुछ अल्टरनेटिव इस पर देखने देखते हैं कि क्या हो सकता है या फिर अगर मान लेते हैं मेंबरशिप नहीं भी हो पाती है तो आप लाइव कोशिश करिए ज्वाइन करने की लाइव करेंगे तो इट वुड बी फ्री फॉर द शॉर्ट नोट यू हैव टू टेक मेंबरशिप तो ये मेंबरशिप तो एनी वे इफ यू वॉन्ट टू टेक देन यू कैन टेक द मेंबरशिप तीसरी चीज जो आपको है यहां पर टेस्ट सीरीज को लेकर के टेस्ट सीरीज को लेकर के कुछ लोगों ने जो इनरोल करने की कोशिश कर रहे थे और वेबसाइट नहीं काम कर रही थी तो अगेन आप दिए गए नंबर पे या तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर ईमेल कर दीजिएगा और ईमेल uh, के थ्रू आपको जो भी लिंक वगैरह है टेस्ट सीरीज़ के लिए वो प्रोवाइड कर देगी अकॉर्डिंगली आप जो है टेस्ट सीरीज़ इनोल कर सकते हैं फर्स्ट टू डेज़ तो एनी anyway, वे हम लोग जो डिस्कस करेंगे और वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पूरे सीरीज़ में हम लोग क्या करने वाले हैं और फिर इसके बाद से अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द इनरोलमेंट अब शुरू करते हैं जरा डिस्कशन क्लास हालांकि हम लोग जो डिस्कशन शुरू करेंगे वो हम लोग ह्यूमन जोग्राफी से शुरू करेंगे लेकिन फिलहाल अभी जब सिलेबस को एनालाइज करना है तो जरा शुरू से ही देख लेते हैं जो हमारा पहला टॉपिक दिया गया है वो है जियोमॉर्फोलॉजी का जियोमॉर्फोलॉजी में आप देखेंगे तो एक टॉपिक है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट फंडामेंटल्स ऑफ जियो मैग्नेटिज्म इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ इंटीरियर जियोसिनक्लाइन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और फिर इसी तरीके से आइसोस्टेसी प्लेट टेक्टोनिक रिसेंट व्यू ऑन माउंटेन बिल्डिंग वुलकैनी अर्थक्वेक एंड सुनामी डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी चैनल मॉर्फोलॉजी और लास्ट में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल एंड लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इरोजनल सरफेस अप्लाइड जियोमार्फोलॉजी जियो इकोनॉमिक इकनॉमिक एंड एनवायरमेंट तो ये हमारे पास में मेन जो सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स हैं वो हैं अब देखिए जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है इसके अगर क्वेश्चन को एनालाइज किया जाए कि कितना डिटेल में या कितनी सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं तो अगर पुराने साल को देखें हालांकि देखिए प्रैक्टिस लिखने के लिए तो चलिए ठीक है उन्नीस सौ अंठानवे वाले सवाल को भी ले लेंगे लेकिन मेन जो एनालिसिस आपको देखनी है वो है 2014 के बाद से किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि सिलेबस में भी थोड़ा सा चेंजेस आए थे अब जैसे शुरू में बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस पर एक शॉर्ट नोट लिख दो इसके अलावा स्ट्रक्चर इज़ डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म अब ये आपकी वही जो डेविशियन मॉडल या फिर हटन का मॉडल है इसको ही एनालाइज करने को बोला गया है फिर बोला गया है सिस्टम अप्रोच टू लैंड फॉर्म एनालिसिस जहाँ पर आपकी सिस्टम्स अप्रोच जो हम लोग ह्यूमन जोग्राफी में सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं मॉडल्स में उसको लैंडफाम स्टडी के फॉर्मेट में कि आपके ओपन सिस्टम कौन सा है क्लोज सिस्टम कौन सा है फिर इसके बाद से इस स्टडी करने में भी हम लीनियर पैटर्न लेंगे कैसकेडिंग पैटर्न लेंगे कॉम्प्लेक्स पैटर्न लेंगे तो ये 2012 का जो क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्विस्टेड है और काफी सारी चीजों को लिंक करते हुए है फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस फ्रॉम द जोनल पॉइंट ऑफ व्यू अब देखिए अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में बोल दिया जाता कि कौन कौन सी जियोमॉर्फिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें मतलब क्लासिफिकेशन को देखना है लेकिन यहाँ पर जोनल पॉइंट ऑफ व्यू है मतलब आपको जोनिंग करनी है डिवीज़न करना है कि, कि किस किस एरियाज में किस तरीके की जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है जियोमॉर्फिक प्रोसेस अलग अलग तरीके की हो सकती है कहीं पर ये इरोजन के फॉर्मेट में हो सकता है कहीं पर ये डिपोजिशन के फॉर्मेट में हो सकती है अब ये जो इरोजन और डिपोजिशन है ये भी अलग अलग तरीके से होता है एक होता है जो मास इरोजन के फॉर्मेट में होती है और एक होती है जो डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी के फॉर्मेट में होती है तो ये सब अलग अलग तरीके के हमें जोनल पॉइंट ऑफ व्यू बनाने पड़ेंगे अभी जोनल पॉइंट ऑफ व्यू में आप दिखा सकते हैं अगर मान लेते हैं कि वर्ल्ड का परस्पेक्टिव दिखाना है तो अगेन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जैसे माउंटेन एरियाज़ को लेकर के डिजर्ट एरिया को लेकर के प्लेनेशन एरिया को लेकर के या फिर ऐसे एरियाज जहाँ पर फॉरेस्टेशन है प्लांटेशन है तो इस सब एरियाज़ को लेकर के वी कैन डिवाइड जोनल पॉइंट ऑफ व्यू और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है 2015 का क्वेश्चन है और 2000 मतलब 15 से हम देखने को मिल रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है लिंक करके चीज़ें और एक एनालिसिस ज़रूर पूछी जा रही है तो ये एनालिसिस आ रही है जहाँ पर मल्टीपल टॉपिक्स आपस में लिंक किए जा रहे हैं दूसरी चीज़ जो भी टर्म दिया गया है इस टर्म का आपको मतलब पता होना चाहिए कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस आखिर इसका मतलब क्या चीज़ है जब हमें मतलब पता रहेगा तो हम लोग बहुत आसानी से क्लासिफिकेशन भी कर सकेंगे आगे आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे ही क्वेश्चन नंबर फाइव है प्रेजेंट डे लैंड फॉर्म बी आर मोर कॉम्प्लेक्सिटी दैन सिंप्लिसिटी अब देखिए ये क्वेश्चन काइंड ऑफ रिपीटेड है जैसे अगर हम लोग सिस्टम से अप्रोच को देखें जहां पर हम लोगों ने ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के बारे में बात किया यहीं पर हम लोगों ने बात किया था कि लीनियर सिस्टम होगा जिसे हम सिंपल सिस्टम भी बोल सकते हैं या फिर कैश सिस्टम है या फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो ये कहीं ना कहीं जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है ये काइंड ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ़ 2012 ही है कि प्रेजेंट डे आज की डेट का जो लैंडफॉर्म है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बजाय सिम्पलिसिटी के तो ये भी अगेन एक क्वेश्चन नंबर थ्री का ही एक रिपीटेड फॉर्मेट है शब्द बदल दिए गए हैं मोरलेस चीज़ें वही हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैज अ डोमिनेंट कंट्रोल ऑन लैंडफॉर्म एंड इज रिफ्लेक्टेड ऑन दैम अब यहाँ पर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जियो जियो के बारे में पूछा गया है अब जरा वापस से देखिए क्वेश्चन नंबर फोर को क्वेश्चन नंबर फोर है जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन और यहां पर जियोमॉर्फिक प्रोसेस में बोला जा रहा है कि जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है यही मेन डोमिनेटिंग रोल अपनाता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब कि कहां पर आपकी फॉल्ट किस तरीके की है कहां पर जो लैंडस्केप है वो किस तरीके का है किस एरिया में फोल्डिंग हो रही है तो ये सब मेनली होते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को लेकर के तो अगेन काइंड ऑफ यू कैन से कि क्वेश्चन नंबर फोर का ही कहीं ना कहीं एक आइडिया लेकर के चल रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन में क्लाइमेट स्लोप ग्रेडियंट एंड रॉक स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द अवलजन ऑफ चैनल्स अब देखिए ये ऐसे तो आप बोल सकते हैं चैनल मॉर्फोलॉजी का भी क्वेश्चन है लेकिन मेनली यहाँ पर चैनल मॉर्फोलॉजी को यूज़ नहीं करना है ये चैनल बस बताया जा रहा है कि हमें एक पैलियो चैनल या मान लेते हैं कोई भी एक चैनल बनाना है उसमें जो डोमिनेटिंग कंट्रोल फैक्टर आ रहे हैं वो है क्लाइमेट स्लोप ग्रेडियंट एंड रॉक स्ट्रक्चर अब जरा देखिएगा फिर से ये चैनल को आप समझिए कि एक तरीके का जियोमॉर्फिक या लैंडफॉर्म है मान लेते हैं लैंडफॉर्म है और ये जो तीनों टर्म दिए गए हैं ये तीनों टर्म आपकी एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है ये सभी हमारी जियोमॉर्फिक प्रोसेस है तो अगेन जो क्वेश्चन नंबर फोर था इसी का ही एक आइडिया लेकर के पूछा जा रहा है कि क्लाइमेट स्लोप ग्रेडियंट एंड रॉक स्ट्रक्चर अब ये जो रॉक स्ट्रक्चर है अगेन देखिए ये एक तरीके का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है एक तरीके का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है तो अगेन क्वेश्चन नंबर सिक्स भी सेम नेचर का ही यहां पर देखने को मिल रहा है जो दो में पूछा गया है तो पास्ट ईयर करने से फायदा तो होता है कि हमें अगर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर पहले से करके रखे रहते इसको अच्छे तरीके से समझे रहते तो क्वेश्चन नंबर सेवन करना बड़ा आसान है क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स का ही जो की आइडिया है या जो कॉमन आइडिया है ये आपका यूज हो रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन में क्वेश्चन नंबर एट है लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज ये तो सिंपल हो गया ये तो सिर्फ और सिर्फ डेविस का जो आइडिया है उस डेविस के आइडिया के बारे में बात की जा रही है अब आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट को वही क्रिटिसाइज करना है कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर ये 2018 का है और मैं कहूंगा कि टफ नहीं है ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है नौवा सवाल है कि शॉर्ट नोट ऑन कास्ट लैंडफॉर्म अब देखिए हमारे पास कई तरीके के लैंडफॉर्म होते हैं जैसे जो फ्लूवियल होता है जिसे हम लोग रिवर रिव मतलब बेसिस पर बोल देते हैं या फिर आपकी कास्ट के कास्ट टोपोग्राफी होती है या फिर आपकी विंड के कारण से होती है तो ये सब जो टोपोग्राफी होती हैं हालांकि ये पहले आता था लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आता नहीं है अभी भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे अगर आप देखेंगे दो में बोला गया है बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी अब ये जो ग्लेशिएटेड वाले होते हैं जो ग्लेशियर वाले होते हैं वहाँ पर ये मेनली uh, मतलब बास्केट ऑफ एगटोपोग्राफी बनता है तो ये सब भी क्वेश्चन आते हैं तो इनको एक बार गोथ्रू ज़रूर कर लेना चाहिए कि क्या क्या है इसके लिए आप लोगों को बुक पता ही है कि जी सी लियोंग की बुक में भी ये सब चीज़ें दी गई हैं या फिर जो आपकी क्लास इलेवेंथ की एन सी आर टी है वहाँ पर भी दिया गया है या सब कुछ छोड़िए आप जो सविंदर सिंह की बुक है इस सविंदर सिंह की बुक में भी दिया गया है तो आप चूँकि अब समय कम है लिमिटेड सोर्सेज करने हैं तो सविंदर सिंह मैं कहूंगा कि आप थॉरली फॉलो करिएगा पेपर नंबर वन के लिए इसके अलावा कुछ भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है रूपा मेड सिंपल फिर ये इधर उधर तमाम मटेरियल ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है आंख बंद करके सविंदर सिंह की बुक को ही केवल फॉलो करिए और सविंदर सिंह की भी यहाँ पर फिजिकल जोग्रफी जो फिज़िकल जोग्रफी है इस फिज़िकल जोग्रफी को ही सिर्फ और सिर्फ आपको फॉलो करना है और बड़े ही ढंग से फॉलो करना है मतलब ईच एंड एवरी थिंग नीड टू फॉलो हियर अब यहां पर सवाल देख लीजिए क्या है सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म इन कास्ट और कोस्टल रीजन कोस्टल का अपना अलग होता है और कास्ट मतलब जो लाइम वाले हैं वो अलग होते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इसेंशियल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कास्ट टोपोग्राफी एक्सप्लेन द सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद द कोस्टल टोपोग्राफी मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर टेन है इसी का ही रिपीटेड फॉर्मेट ही देखने को मिल रहा है अब देखिए फिर कोस्टल में पूछा गया स्पिट एंड टोम्बोलो हो गया ये भी आपका कोस्टल बेसिस पर ही होता है कोस्टल एरियाज के लिए ही होते हैं डिस्कस दूस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशियटेड रीजन ग्लेशियर का यहाँ पर पूछा गया सत्तासी में दो हजार सोलह में इसी का एक लैंड फॉर्म पूछ लिया गया बास्केट ऑफ एक्टोपोग्राफी डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ एल्टीप्लेनेशन अब एल्टीप्लेनेशन जो एल्टीट्यूड पर होते हैं उनके बारे में भी पूछ दिया गया क्राइजेनिक कंडीशन को लेकर के पूछ दिया गया तो अब जो यहाँ से इस टॉपिक से समझ में आ रहा है इस टॉपिक से जो समझ में आ रहा है एक तो वो ये समझ में आ रहा है कि आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस को लेकर के सवाल बन रहे हैं दूसरा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को लेकर के सवाल बन रहे हैं और तीसरा अगर लैंडफॉर्म्स रिलेटेड सवाल आया तो लैंडफॉम्स रिलेटेड जो सवाल आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा जो नॉर्मली मतलब सिंपल तो नहीं होगा कुछ नए की टर्म को लेकर के ही होगा जैसे कि एल्टीप्लेनेशन वाला पूछा गया है वैसा ही कुछ नए तरीके का पूछा जा सकता है तो यहां पर आपको जो फॉलो करनी है बुक जो फॉलो करनी है वो सविंदर सिंह बुक फॉलो करनी है यहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी बुक आपको वो फॉलो करनी है जिसमें सारी चीजें मिल जाए तो यू कैन फॉलो सविंदर सिंह फ्रॉम फॉर दिस टॉपिक आगे देखते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट अब देखिए 2013 में एक सवाल पूछा गया इंपैक्ट ऑफ प्लीस्टोसिन आइस एज ऑन द क्रस्ट ऑफ अर्थ और ये जो प्लीस्टोसिन आइस एज है ये मेनली है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सवाल और ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है इसमें बस आपको थोड़ा सा अगर आप अपनी आंसर राइटिंग अच्छी कर रखे होंगे तो फिर इजिली यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन क्योंकि इसमें थोड़ा सा इधर उधर की चीजें ले आ करके लिख देनी है अभी ये हो सकता है टफ लगे लेकिन दिस इज मॉडरेट क्वेश्चन इजी तो नहीं है मॉडरेट क्वेश्चन जरूर है और ये भी अगेन सविंदर सिंह की बुक को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये भी आप बहुत आराम से लिख ले जाएंगे अगला जो टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ जियो मैग्नेटिज्म जहां पर बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन है दो का क्वेश्चन है कि शॉर्ट नोट ऑन जियो मैग्नेटिज्म एंड पैलियो मैग्नेटिज्म अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है कुछ भी इसमें इधर उधर नहीं है सवाल नंबर दो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैव वैलिडेटेड दैट कॉन्टिनेंट उन नेवर बीन स्टेशनरी अब देखिए दो अलग अलग कंसेप्ट को लेकर के आया गया है और मेनली जो ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है इस ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट को यहाँ पर लिंक करने की कोशिश की गई है ऑब्वियसली 2023 का सवाल है तो दो तीन टॉपिक को तो आपस में लिंक करेगा ही करेगा तो यहां पर मेनली स्टेशनरी अगर नहीं है इसका मतलब है कि दे आर ड्रिफ्टिंग तो मेनली ये है तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्यूरी का सवाल लेकिन यहां पर जो कंसेप्ट यूज किए जा रहे हैं वो पैलियो मैग्नेटिज्म और जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्यूरी है इन दोनों थ्यूरी को इस्तेमाल किया जा रहा है अगला है अच्छा यहां पर भी अगेन अगर मैं बात करूं कि क्या बुक फॉलो हो रही है तो अगेन सेम वही सविंदर सिंह की जो बुक है वो फॉलो हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है यू कैन अगेन फॉलो दिस एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस अब यहां पर शुरू में जो पूछा गया है वो देखिए अर्थ मूवमेंट के क्लासिफिकेशन को पूछा गया है अब उन्नीस का सवाल है सीधी सी बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछा जाएगा उस समय में क्या ही है सवाल नंबर दो है कि डिस्कस विद एग्जांपल द इन्फ्लुएंस ऑफ वोकैनिज्म एंड डायस्ट्रोफिज्म ऑन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल कोई यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग एंड शो द रिलेशनशिप विद सॉयल फॉर्मेशन अब सॉइल फॉर्मेशन में एक बात तो सही है कि एक जो मटेरियल होता है वो है उसका पैरेंट सॉइल या पेरेंट रॉक जो होती है तो इसी पेरेंट रॉक को लेकर के मेनली जो यहां पर बताना है वो मैकेनिकल प्रोसेस और इस केमिकल प्रोसेस के बारे में बताना है ये भी अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी ही चीज़ है थ्री का ही एक रिपीटेड फॉर्मेट है लैंड फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ एंडोजेनिकोरसेस एंडोजेनिक मतलब की जो इंटरनल फोर्सेज के कारण से बन रहा है उसके जो प्रोडक्ट है उनको बताना है अगेन एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड का सवाल है सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि वेदरिंग इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ प्रोसेस एंड इज इन्फ्लुंस बाई वेरियस फैक्टर्स अब देखिए कुछ तो यहां पर बोल दिया गया है कि मैकेनिकल और जो केमिकल प्रोसेसेज हैं इनके थ्रू ही हमारे लैंडफॉर्म्स मेनली बनते हैं लेकिन इसके अलावा कुछ और भी प्रोसेस होते हैं जैसे एक होता है जो हमारा मास इरोजन का कंसेप्ट हो गया मास इरोजन हो गई या इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में वोल्केनिज्म वगैरह भी होती है या फिर सिंपल अगर बात किया जाए तो हमारे पास में जो अर्थ मूवमेंट है इस अर्थ मूवमेंट के कारण से भी कई सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं तो ये ऑब्वियसली इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना अब जहां पर भी आपको कॉम्प्लेक्स शब्द दिखे यहां पर आप सिस्टम्स एनालिसिस का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे डोंट वरी ये तो जस्ट एक ओवरव्यू है कि सवाल आ कहां से रहे हैं एंड व्हाट शुड विच बुक वी शुड फॉलो फॉर द नेक्स्ट थ्री मंथ क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है और अगर आप पचहत्तर बुक लेकर के बैठ जाएंगे तो फिर इंपॉसिबल है सवाल नंबर सेवन है कि नेम द क्लाइमेटिकली कंट्रोल्ड एजेंट्स ऑफ इरोजन यानी कि क्लाइमेट जो एजेंट को कंट्रोल करता है अब मैक्सिमम एजेंट को देखिए क्लाइमेट कंट्रोल करता है क्योंकि यहां पर प्रेशर जनरेटेड हो गया या फिर विंड जनरेटेड हो गया या फिर हाइड्रोलॉजिकल यानी रेनफॉल ओरिएंटेड हो गया ह्यूमिडिटी बेस्ड हो गया जो हमारा लाइम बेस्ड होता है जिसको हम लोग कास्ट ओपोग्राफी बोल सकते हैं तो यहां पर कई तरीके के ऑब्वियसली क्लाइमेट कंट्रोल चीजें तो हैं एक्सप्लेन हाउ दे डिफर इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर अब सीधी सी बात है कहीं पर केमिकल प्रॉपर्टी लग रही होगी जैसे आपका जो वाटर वाले हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन है कहीं पर मैकेनिकल लग रहा होगा मैकेनिकल का मतलब हो गया जैसे जहां पर कैरी फॉरवर्ड करना है या हो सकता है कि कहीं पर आपका हीट लग रहा होगा हीट का मतलब वही जहां पर थॉइंग हो रही होगी या फिर हीटिंग हो रही होगी तो ये सारे कंसेप्ट आएंगे ये सारी प्रॉपर्टी आएगी मैटर की तो कंपेयर द लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाई ईच वन ऑफ देम 2011 का सवाल है और हर एक के कारण से जो जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं चाहे वो रिवर के लिए हो जो मैकेनिकल भी और केमिकल दोनों होता है या फिर आपकी लाइम वाली हो या फिर कोस्टल इलाके की हो वेव ओरिएंटेड हो एटसेट्रा एटसेट्रा तो ये भी एक लेंदी हालांकि तीस नंबर का सवाल है ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा सवाल है तो ये एक चीज है अच्छा कई लोगों को दिक्कत होती है कि शब्द नहीं लिखे हैं कितने शब्द हमें लिखने हैं तो पंद्रह इन जितने भी आपके मार्क्स का सवाल है वो बन जाएगा आपका नंबर ऑफ वर्ड जैसे मान लेते हैं टेन मार्कर क्वेश्चन है तो टेन मार्कर का मतलब यानी कि वर्ड आपको यहां पर 150 शब्द आपको यहां पर लिखने हैं सिमिलरली मान लेते हैं पंद्रह है तो पंद्रह गुड़े पंद्रह दो सौ पच्चीस अब दो सौ पच्चीस का मतलब यह है कि यू कैन गो अपू टू हंड्रेड टू ट्वेंटी ये जा सकते हैं मान लेते हैं बीस नंबर का सवाल है तो कितना हो गया थ्री हंड्रेड तीन सौ शब्द आप यहां पर लिख सकते हैं ठीक है तो लिखा रहा है चाहे ना लिखा रहा है इस आइडिया से बेसिस पर यू कैन राइट द आंसर अब देखिए 2014 का सवाल है कि एक्सप्लेन वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग डिस्क्राइब द जियोमॉर्फिक सिग्निफिकेंस अब ये भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है अब देखिए अगर आप देखेंगे एंडोजेनिक और एक्जोजेनिक फोर्सेज को लेकर के दो के बाद से कोई ऐसा सच खास क्वेश्चन बना नहीं है और आई डोंट थिंक इस पर कोई सवाल बनने वाला भी है लेकिन इन केस अगर बना तो कोई ना कोई यहां पर एक टफ सा कीवर्ड देगा और उस की के ही बेसिस पर आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा और की के लिए आपको फॉलो क्या करना है आपको सिंपल फॉलो करना है सविंदर सिंह की बुक के पीछे लास्ट में अगर आप देखेंगे लास्ट मतलब कि चैप्टर के लास्ट में देखेंगे तो कुछ आठ दस लाइन का मतलब आठ दस लाइन तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ दो तीन लाइन के कुछ डेफिनेशंस लिखे होते हैं तो इन डेफिनेशंस को आप फॉलो अगर करेंगे तो आप बड़े आराम से इन तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं हैंडल किया जा सकता है नेक्स्ट इज फिजिकल कंडीशन यहां पर बोला जा रहा है रोल ऑफ सिस्मिक वेव इन द स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ब्रिंग आउट द रेलिवेंस ऑफ सिस्मिक स्टडी इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ अब देखिए इन दोनों में ही जो हमारा मेन सिस्मिक वेव अर्थक्वेक वेव वाला जो क्वेश्चन होता है वो है और ये मेरे हिसाब से कोई कुछ भी नहीं ज्यादा पूछा जाएगा अधिक से अधिक एक ई e लेयर पर सवाल बनेगा इस बार ई e लेयर क्योंकि एक मतलब करेंट अफेयर्स में रही है तो ई e लेयर पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि कोर में ही कोर और मेंटल के बीच में जो ई e लेयर है इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है या इसके पीछे का क्या साइंस है यह पूछा जा सकता है मैक्सिमम फिर आगे है जियो सिंक्लाइन का शॉर्ट नोट है हाउ इवेल्युएट हाउ कोवर जियो सिंक्लाइन थ्यूरी एक्सप्लेन द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस अब जियो सिंक्लाइन कंसेप्ट आपको इसलिए डिटेल में यहां पर पढ़ना है क्योंकि ये आगे चाहे माउंटेन बिल्डिंग पर सवाल बन रहा हो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट पर सवाल बन रहा हो तो यहाँ पर जितने भी आपके कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जो भी यहाँ पर जोग्राफर्स हैं इनकी आपको एक फ्लो चार्ट बनाने में काफी मदद मिलेगी तो इस वजह से ये हम लोग करेंगे काफी डिटेल में और यहां पर जो सवाल मेनली फोकस करते हैं वो दो एरियाज पर फोकस करते हैं या तो ये आर्थर होम को पूछता है या फिर आपको यही हमारा जो कोबर का आइडिया इस कोबर के आइडिया को पूछा जाता है तो हॉलैंड आना ने स्टार्ट जरूर किया था बट ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे कोबर साहब हैं तो इस वजह से इसकी डिटेल करनी है कोबर का हमें काफी डिटेल करना होगा क्योंकि अगर इस पर क्वेश्चन बना तो इट इज गोइंग टू तो बी वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन काफी डिटेल रहेगा काफी इनडेप्थ रहेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के जो क्वेश्चन है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं जैसे लिमिटेशन ऑफ थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड शो हाउ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एज एन इंप्रूवमेंट ओवर इट ब्रिंग आउट द डिस्टिंगशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अब इन दोनों को ही लिंक किया जा रहा है क्योंकि सीधी सी बात है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की ही जो एक इंप्रूवमेंट थी वो हमें प्लेट टेक्टोनिक में देखने को मिली थी अब यहाँ पर क्रिटिकली इवेलुएट करना है जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में है फिर पहली जोई ग्लेशियल एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो हमारे चार एविडेंस है उसमें से एक एविडेंस हमारा पैलियोजोईक ग्लेशियल एविडेंस है ऑफ शोर इकॉस्टिक स्टडी हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग अब देखिए ये जो ऑफ शोर इकॉस्टिक स्टडी है ये एक कीवर्ड है और इस कीवर्ड को ही यहां पर टेस्ट किया जा रहा है कि आपको ये की के बारे में पता है कि नहीं पता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन हालांकि 2019 में पूछा गया है राइट एन एस से ऑन इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन यूजिंग वेरियस थ्योरीज एंड मॉडल अब देखिए यहां पर वेरियस थ्योरीज एंड मॉडल का मतलब यही हो गया कि जहां पर आपको जियो सिंक्लाइन के भी कॉन्सेप्ट्स को लिखना पड़ेगा प्लस साथ साथ में जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है प्लस इसके अलावा जो हमारे पास में डाल्टन का आइडिया हो गया नॉट डाल्टन uh, कौन थे डार्विन का आइडिया हो गया यस दिस इज डार्विन का आइडिया हो गया या फिर आपके सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में हो गया तो ये सारी चीजें जितनी भी है आपको यहां पर लेकर के आना है बिकॉज पर पूछा जा रहा है वेरियस थ्योरीज एंड मॉडल्स के बारे में तो अगेन एक ये बड़ा क्वेश्चन है जिसको कि छोटे में मतलब थ्री वर्ड्स में आपको लिखना है तो ऑब्वियसली आपको सारी इंफॉर्मेशन एक साथ लेकर के आनी है आइसोस्टेसी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो सवाल बनाएगा ये ऑब्वियसली बहुत टफ क्वेश्चन बनाएगा तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ही ज़्यादा डीपर रखनी है अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डिटेल में रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो अगर बना तो फिर वो काफ़ी डेफ्थ में बनेगा क्वेश्चन है पहले तो आसान है कि आइसोस्टेसी की थ्योरी को ही क्रिटिकली एनालाइज करिए फिर कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी एंड एरी एंड प्राट की थ्योरी हो गई चार थ्योरीज हैं एक आपकी एरी की थ्योरी है दूसरी है प्राट की थ्योरी बॉवी एंड हैल्डनहैंड की थ्योरी है फिर आर्थर होम की थ्योरी है तो ये सारी थ्योरीज हैं हम लोग जो है जब कल की क्लास करेंगे तो उसमें जितने भी हमारे पास में एक इसी तरीके की शीट आप लोगों को दी जाएगी उस पर जितने भी मॉडल्स वगैरह हैं उन मॉडल का नाम लिख दिया जाएगा ताकि रिवीजन करने में और जब आप आंसर राइटिंग वो मैं तरीका बताऊंगा चलिए ये कल बताएंगे कि आखिर में डे टू पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आपको इस शीट का इस्तेमाल करना है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो स्टेसी अगेन एरियार्ट के बारे में पूछ दिया गया एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये जो सवाल है प्लेट टेक्टोनिक अब जरा अच्छा सवाल आना शुरू हुआ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक हैज बीन फ्रॉम आइसोस्टेशियन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखिए 2021 का सवाल है आइसोस्टेशिया स्टेसी और कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को लिंक करके प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पूछा जा रहा है कि कैसे ये डिराइव हो रही है और यही मैं कह रहा हूं कि इसी तरीके के जो सवाल होंगे वो आगे बनेंगे आइसोस्टेसी के जो सवाल होंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक ये सब लिंक करके ही पूछा जाएगा इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे दे आर वेरी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड की प्लेट टेक्टोनिक के कंसेप्ट को बताइए फिर उसके बाद से प्लेट टेक्टोनिक पर शॉर्ट नोट लिखिए लिमिटेशन के बारे में बताइए एटसेट्रा एटसेट्रा एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा क्या है माउंटेन बिल्डिंग ये भी जो आपका जो सवाल बनने वाला है अगेन दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ डिटेल्ड क्वेश्चन ये जो बनेगा एक टफ क्वेश्चन बनेगा अगर बनता है तो जैसे 2014 के बाद से इस पर सवाल आया नहीं है दो चीज़ों को लेकर के बनेगा एक बनेगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल को लेकर के ठीक है और दूसरा बनेगा कोई ना कोई थ्योरी को उठा करके लिंक किया जाएगा और पूछा जाएगा कि कैसे ये डेवलप हो रही है अब जैसे यही है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एंड हाउ डज इट हेल्प इन एक्सप्लेनिंग फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ एंड अपलेशियन माउंटेन हो सकता है ठीक है फिर है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से आपको बताना यंग फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं तो ये तो आई थिंक बहुत ईजी है लेकिन आगे जो क्वेश्चन बनेगा वो इस बेसिस पर बनेगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल और थ्योरी को कनेक्ट करते हुए वुल्कैनी सिटी पर जो क्वेश्चन आएगा देखिए वो अगेन बन सकता है क्योंकि वुल्कैनी करप्शन अब ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं तो अगेन इस पर भी सवाल अगर बनता है तो आ, बनेगा तो बेसिक ज़्यादा कुछ आई डोंट थिंक इस पर कोई टफ बनना चाहिए अब जैसे पायरोक्लास्टिक मटेरियल वगैरह पूछा गया था तो वो अगेन यहाँ पर भी बन सकता है दो में जैसे की टर्म को लेकर क्वेश्चन बनाया था कि डिस्क्राइब द फ्रीएटी करप्शन एंड देयर कॉन्सिक्वेंस तो ये की टर्म को लेकर के है और ये अगेन की टर्म्स वगैरह जितने भी हैं सारे आपको सविंदर सिंह की बुक में मिलेंगे तो एक बार उसको जरूर फॉलो करना है सीडो वुल्कैनिक फॉर्मेशन हो गया या बाकी ये तो बेसिक क्वेश्चन है इसमें कुछ है नहीं तो इसमें भी अगर बना तो की टर्म के बेसिस पर ही बनेगा कोई ना कोई की टर्म उठाया जाएगा और उसके बेसिस पर सवाल बन जाएगा अर्थवेक एंड सुनामी अर्थवे एंड सुनामी पर जो बनेगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो बनेगा वो फॉल्ट को लेकर के बनेगा फॉल्ट को लेकर के बनेगा या तो दूसरा सवाल जो बन सकता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में दिया जाएगा और उस एरिया के आपसे फॉल्ट के नाम पूछ दिए जाएंगे तो ये जो अगर सवाल बना तो ये फैक्चुअल डिटेल आपसे डिमांड करेगा कि आप फैक्चुअल डिटेल लिखिए ठीक है थीके? तो इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पर रट्टा मारने वाली चीजें भी होनी चाहिए अगेन सविंदर सिंह से आप यहाँ फॉलो कर सकेंगे क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन है 2019 का डिस्कस द मेथड ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्विक एंड हाउ आर सिस्मिक जोन डिमार्केटेड सिंपल है वही आपका जो मरकेली स्केल और जो रिक्टर स्केल है उसके बारे में लिखना होता है का जो कर्व यूज होती है उसके बारे में लिखना है तो ये चीज है लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो अब इस पर है कि फॉल्ट और किसी एक पर्टिकुलर एरिया के फॉल्ट को लेकर के सवाल पूछा जाना चाहिए अब जो क्वेश्चन आएंगे वो मेन जियोमार्फोलॉजी का जो कोर है इस कोर से पूछे जाते हैं और ये बहुत ज्यादा मतलब टफ नहीं होगा जो कोर होता है उससे रिलेटिवली ईजी सवाल बनते हैं जैसे यहां पर है अमेरिकन स्कूल ऑफ सब एरियल डेन्यूडेशन इन जियो अब अमेरिकन स्कूल में आप कौन कौन से थे उनके बारे में पता होना चाहिए जैसे इज द डेविज है मेन चैनल मॉर्फोलॉजी इस पर आपको कुछ फार्मूलाज हैं वो फार्मूला आपको याद होने होंगे ये रट्टा मारने वाला टॉपिक है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है लेकिन यहाँ पर मेन रट्टा मारने वाला है एक पेज की नोट्स है बड़ा आराम से आप लोग कर ले जाएंगे अब जैसे सवाल पहले तो बेसिक पूछे गए थे कि मे क्या होते हैं दूसरा इसी तरीके से फिफ्टीन में क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल एज टू हाउ चैनल डायनेमिक्स हैज बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एलू विल फ्रेंड एंड कॉन्स अब देखिए ये थोड़ा सा धीरे धीरे टफर है सत्रह में पूछा गया है कि क्लाइमेट स्लोप ग्रेडियंट एंड रॉक स्ट्रक्चर ऑफ विजन ऑफ चैनल अभी हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस किया था जियोमॉर्फिक प्रोसेस को लेकर के सवाल जो बना था तो सत्रह में एक क्वेश्चन बना हुआ है अब जो इस पर सवाल बनेगा देखिए ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल बनेगा और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जो सरस्वती रिवर की पैलियो चैनल है उस सरस्वती रिवर के पैलियो चैनल पर भी सवाल बन सकता है कि आखिर में ये पैलियो चैनल कैसे बना है या हो सकता है इसकी स्टडी के बारे में पूछ दिया जाए कि कैसे हम पैलियो चैनल्स को स्टडी करते हैं जैसे पैलियो मैग्नेटिज्म होता है वैसे ही सेम पैलियो चैनल्स की स्टडी और इसके मेथड्स के बारे में सवाल पूछा जा सकता है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस अच्छा आप लोग जब भी ये मटेरियल आपके साथ में अभी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा तो आप लोग इसका प्रिंट आउट अब आगे से नेक्स्ट क्लास से प्रिंट आउट लेकर के बैठिएगा और लगातार क्वेश्चन को मतलब देखते भी रहिएगा पास्ट ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन को देखते रहना है और देखना है कि किस तरीके के सवाल बन सकते हैं और कैसे हम करंट अफेयर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं अब आगे है जियोमार्फिक साइकिल और लैंडस्केप डेवलपमेंट को लेकर के ये बड़ा ही बेसिक सा सवाल है अब जैसे इसमें तीन चार जो मॉडल है जैसे डेविस का मॉडल हो गया या पेंक का मॉडल हो गया या किंग का मॉडल हो गया या वुड का मॉडल हो गया अब यहाँ पर दो तरीके के होते हैं एक होता है जो आपका इरोजनल सरफेस को लेकर के होता है एक होता है जो डायनामिक मॉडल्स वगैरह होते हैं तो इन दोनों के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ने लेना है कि मोरिसोवा का मॉडल सेविगियर का मॉडल ठीक है जेटी हैक का मॉडल ये सब हम लोग डिटेल में करेंगे और बेसिक ही पूछे गए हैं शुरू में जैसे डब्ल्यू एम डेविस और वॉल्टर पिंग दोनों में साइकिल ऑफ इरोजन के व्यू बताने हैं फिर कंपैरिजन करने को पूछा जाता है फिर पॉलीसाइकिलिक लैंडफॉर्म है ये हम लोग पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और ये एक एक्सपेक्टेड एरिया है जहां से सवाल आपका बन सकता है पॉलीसाइकिल लैंडफॉर्म को लेकर ऑल दो दिस इज नॉट डायरेक्टली इन योर सिलेबस लेकिन फिर भी सवाल आने के चांसेस है जरूर ट्रप एंड कंसेप्ट यह छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये अब सिलेबस में नहीं है स्किप करिएगा डिस्कस द ऑफ ऑफ साइकिल एंड ब्रिंग आउट क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन व्यूज ऑफ डेविस एंड पेंक अगेन कंपेरिजन पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म येस अगेन एक इंपॉर्टेंट एरिया जहां से सवाल बनने के पूरे पूरे चांसेस है पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म और डेविस और पेंक वगैरह के बारे में अगर पूछा गया तो डेविस और पेंक की थ्योरी नहीं पूछी जाएगी अब जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा लैंडफॉर्म को कनेक्ट करते हुए लैंडफॉर्म को एक्सप्लेन करवाएगा या तो डेविस के साथ में या फिर पेंक के साथ में एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए अब जैसे मान लेते हैं कि सवाल ऐसे पूछ दिया जाएगा कि डिस्कस द इरोजनल प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन द चलिए ठीक है ऐसा सवाल हो सकता है कि डिस्कस द इरोजनल फीचर्स ऑफ विंड ओरिएंटेड लैंडफॉर्म्स डिस्क बाई डेविस ठीक है तो डेविस ने जो विंडो ओरिएंटेड लैंडफॉर्म्स के बारे में बात किया उसको लेकर आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा या फिर तो इस तरीके, से, इस तरीके से आपको कंपेरिजन या कह सकते हैं कि व्यू ओरिए बोल सकते हैं हम लोग कि व्यू ओरिएटेड या फिलोसफी ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होंगे अब जैसे यही है कि जियोग्राफिकल साइकिल मॉडल डेविस को लेकर के हो गया फिर डब्ल्यू एम डेविस और पेंक अगेन यहां पर जो भी व्यूज है उनको एग्जामिन करना है हाईलाइट द जियोम्राफिक फीचर essentially found in topography is under second cycle of erosion. This is again important. Second cycle of erosion, first cycle of erosion. इसके बारे में पूछा जा रहा है Standard AP gene cycle of erosion. Again देखिए एक शब्द को लेकर के key term को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है Normal cycle and arid cycle of Davis. Yes, यही वाली चीज आपसे पूछी जा रही है कि आपकी जो नॉर्मल साइकिल है और जो एरिड साइकिल है या हो सकता है ऐसी तरीके से ग्लेशिएटेड साइकिल के बारे में पूछ दिया जाए ठीक है तो ये हम लोगों को प्रिपेयर रहना है कि डेविस के हिसाब से पेंक के हिसाब से वुड के हिसाब से किंग के हिसाब से कैसे आ रहा है पेरीग्लेशियर साइकिल पेल्टियर के द्वारा बोला गया है पेरीग्लेशियर साइकिल इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि आपकी डेविशियन आइडिया के हिसाब से पेरीग्लेशियल जो साइकिल है उसको एक्सप्लेन करिए तो ये फिलॉसफी बेस्ड या व्यू बेस्ड है और इसी तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए कि आप मतलब सवाल आ सकते हैं ये अगर आया तो ये टफ क्वेश्चन में काउंट किया जाएगा डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इरोजनल सर्फेस एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड टू आइडेंटीफाई दम विद ड्यूटेबल एग्जाम्पल ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन है अब देखिए इरोजनल सरफेस को लेकर के सवाल पूछा जा रहा है और जो भी इसके मेथड्स है उसको आइडेंटिफाई करना है तो इरोजनल सर्फेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी हो गई डायनेमिक हो गई एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारी चीज़ें हैं और अगेन ये एक कंटेम्प्ररी बेस्ड क्वेश्चन है ये एक कंटेम्प्रेरी बेस्ड क्वेश्चन है तो ऐसे या तो क्वेश्चन आएंगे कंटेम्प्ररी वाले या व्यू वाले जो कि थोड़े से टफ जरूर रहेंगे सरफेस को लेकर के क्वेश्चन है तो ये मेरे हिसाब से सिंपल आएगा और अगेन इसको लिंक करते हुए आएगा जैसे 2023 का सवाल देखिए डिफाइन पेनी प्लेन सिंपल डेविस का आइडिया फिर डिस्क्राइब लैंडस्केप फीचर एसोसिएटेड विद पेनी प्लेन अंडर डिफरेंट जियोमॉर्फिक साइकिल पेनी प्लेन का अलग अलग लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद डिफरेंट जियोमॉर्फिक साइकिल आपको बताना है जहां पर आप रिज्यूविनेशन वगैरह सबके बारे में आप बता रहे होंगे आप सरप्राइज नहीं होइएगा अगर यहां पर लिख दिया जाए कि जो भी पेनीप्लेन या जो भी कोई भी मान लेते हैं और पूछ दिया गया एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ वुड आइडिया ठीक है तो यह भी आप इस तरीके से सवाल एक्सपेक्ट करिएगा जैसे 16 में है इन एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ लेडी प्लेनेशन किंग कंबाइंड द आइडिया ऑफ डेविस पेंग एंड वुड अब इसको इलेबरेट करना है तो किंग का आइडिया इन दोनों तीनों के साथ में कैसे लिंक हो रहा है इसके बारे में भी पता होना चाहिए थोड़ी सी यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद रहेगी तो बड़ा अच्छा रहेगा जैसे इनकी किताब का नाम आप याद कर लीजिएगा ये आप लोगों को शॉर्ट नोट बना के दिया जाएगा डोंट वरी तो ये सब थोड़ा सा रट्टा मार करके रखे रहेंगे तो ये एडवांटेज होता है देखिए थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लाने मतलब फैच करने में बड़ा योगदान देती है तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी रहेंगी जो रट्टा मारनी है प्रेम्स में इतना रट्टा मारे हैं थोड़ा सा जोग्रफी में मतलब रट्टा मार लेंगे तो काफ़ी मतलब बहुत आसानी से आप 300 के आसपास का स्कोर आप कर ले जाएंगे और पहले लोगों ने किया है तो इस वजह से ही बोला जा रहा है कि ये स्कोर ऐसा अनअचिवेबल नहीं होता है बड़ा आराम से अचीव किया जा सकता है थोड़ी थोड़ी यहाँ पर आपको चीज़ें करनी है बाकी इसके अलावा बेसिक सी चीज़ें रिज्यूविनेटेड लैंडफॉर्म के बारे में फिर इसके बाद से रिज्यूविनेटेड लैंडफॉर्म के क्या फैक्टर्स हैं पेनी पेंट क्या है बेस लेवल क्या होता है तो ये सब चीज़ें हैं अप्लाइड जियोमार्फोलॉजी का क्वेश्चन जैसे जियोमार्फोलॉजिकल चेंजेस आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर हजार इन हिमालयन रीजन कमेंट विद द रिलिवेंट एग्जाम्पल अब यहां पर देखिए इस तरीके का जो सवाल होता है मेनली जितने भी आपके मॉडल्स हैं या जितने भी आपकी थ्योरीज हैं इन सब को लिंक करके आपको लिखना होता है ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पूरा क्लास करेंगे स्लोप डेवलपमेंट के बारे में इसी तरीके से है कि डेविस का आइडिया पिंक के आइडिया के बारे में बताइए एलसी किंग के आइडिया के बारे में बताइए बॉश एंड हल्डेन हैंग के बारे में बताइए एटसेट्रा एटसेट्रा 17 में जैसे एक सवाल पूछा गया द नॉलेज ऑफ स्लोप एनालिसिस हैज लिमिटेड फील्ड एप्लीकेशन इन स्लोप मैनेजमेंट अब ये स्लोप एनालिसिस और स्लोप मैनेजमेंट को आपस में लिंक करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ये दोनों आपस में लिंक हो रहे हैं और कैसे इन दोनों के बीच में जो लिंकेज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है और अल्टीमेटली हजार जितने भी आ रहे हैं डिजास्टर्स आ रहे हैं इन लोगों को जन्म दे रही है तो ये हमारा एक एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल ज्योग्राफर के नेम आएंगे और साथ में एक कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलेगी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लाइमेटोलॉजी को लेकर के है एक टॉपिक यहाँ पर है टेम्परेचर एंड प्रेशर बिल्ट ऑफ वर्ल्ड को लेकर के और ये एक बहुत सिंपल टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी वाला जिसमें टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में पूछा जाता है या फिर कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमोस्फियर और रिसेंट में अगर आएंगे तो डिफरेंशिएट बिथविन इंसोलेशन टेम्परेचर एंड अनामस टेम्परेचर तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ही यहाँ पर टेस्ट करेगा बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिटेल में नहीं जाएगा सवाल हीट बजट ऑफ द अर्थ को लेकर के एसच कोई क्वेश्चन नहीं है एंड इस पर एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि कोई सवाल ऐस बनना चाहिए हाँ यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ओजोन लेयर को जरूर पूछी जा सकती है ओजोन लेयर को लेकर के कि किस तरीके से ओजोन लेयर का फॉर्मेशन या इसका डिग्रेडेशन हो रहा है ये सब चीज़ें चाहें तो पूछ सकते हैं अदरवाइज आई डोंट थिंक इस पर कोई सवाल आगे आना चाहिए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी को लेकर के सवाल है तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन को लेकर के जरूर सवाल बन सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा टच नहीं हुआ है कुछ सालों से तो क्लाउड को लेकर के जरूर एक सवाल बन सकता है और कारण क्यों बन सकता है क्योंकि अब आर्टिफिशियल रेन के बारे में बात की जा रही है तो आर्टिफिशियल रेन में हम किस तरीके से जो आर्टिफिशियल क्लाउड्स वगैरह हैं उसको बनाएंगे उसको लेकर के सवाल बनेगा तो ये एक पॉसिबल चीज है दूसरी जो हमारी अपर एयर सर्कुलेशन है इस अपर एयर सर्कुलेशन को भी आ, मतलब देखना है ये भी करंट अफेयर्स में रहा है तो इस वजह से इस पर भी एक सवाल बनने के चांसेस है बाकी तो देखिए 2023 में जैसा क्वेश्चन पूछा गया था इनवर्जन ऑफ टेम्परेचर को लेकर के सिग्निफिकेंस ऑफ लोअर जो लोकल वेदर है ठीक है फ्रंटोजेनेसिस ये सब चीज़ें हैं ये सब बेसिक आया गया है तो इस पर ठीक है एक बार प्रैक्टिस तो कर ही लेना है लेकिन इस एरिया में मेन फोकस करना है कि आपका आर्टिफिशियल रेन हो गया या जो अपर एयर सर्कुलेशन दिस इज यू है अपर एयर का सर्कुलेशन हो गया इस एरिया को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लानिटरी एंड लोकल विंड को लेकर के है, जैसे जियोस्ट्रॉफिक विंड को लेकर के 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है बैरोमेट्रिक स्लोप एंड एयर सर्कुलेशन ये एक मतलब बढ़िया क्वेश्चन कहा जाएगा ये एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है कि आखिर में जो बैरोमेट्रिक स्लोप होती है और जो एयर सर्कुलेशन होती है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है बैरोमेट्रिक स्लोप का मतलब प्रेशर ओरिएंटेड जो स्लोप के कारण से प्रेशर जनरेट होती है और जो यहां पर एयर सर्कुलेशन है ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें हमें एनालिसिस चाहिए इसके अलावा बाकी बड़ा सीधा सीधा सा है कि कौन सी फोर्सेज हैं जो एयर मूवमेंट को गवर्न करती हैं फिर है सिरोको और मिस्ट्रल को लेकर के तो ये सब चीज़ें हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पर अगेन थोड़े से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए और यहाँ पर मेन हम लोगों को जो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में वो रहेगी जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं अभी रिसेंट की जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं इन सभी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस तरीके के सवाल का आंसर इस तरीके के रिसर्च में ही मेन छिपा होता है सवाल नंबर छह इसी तरीके से है कि आर द दॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ लोकल विंड लोकल विंड के ओरिजिनेट होने का कारण क्या है डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस ऑन प्रिवेलिंग वेदर एंड क्लाइमेट इन वेरियस रीजन विद्यूटेबल एग्जाम्पल अगेन ये भी आपका एक एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है जहां पर मल्टीपल टॉपिक्स को आपस में लिंक करना है मॉनसून इनजेट स्ट्रीम को लेकर के है तो इस पर आई डोंट थिंक कोई रिपीटेड क्वेश्चन बना तो बना नहीं तो मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर सेम वही सारी चीज़ें हो रही हैं जैसे एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मानसून सिस्टम या फिर आपका ओरिजिन प्रोग्रेस एंड रिट्रीट ऑफ इंडियन मानसून ये सब चीज़ें हो गया अगर सवाल यहाँ पर बना तो सवाल तीन चार चीज़ों को लेकर के बनेगा जैसे आपका एल्नो लानिना कंडीशन होती है ठीक है इसके अलावा मोडोकी कंडीशन हो गई ठीक है मोडोकी कंडीशन हो गई फिर आपका मेडन जूलियन ऑसोलेशन को लेकर के हो सकता है पैसेफिक की हीटिंग को लेकर के सवाल बन सकते हैं या फिर आपका इंडियन ओशियन डायपोल को लेकर के सवाल बन सकता है अब इन लोगों का लिंक बनेगा रेनफॉल के साथ में तीन एरियाज़ में इंडियन एरिया में जो इंडियन पेनसुला है अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के एरिया में और साउथ अमेरिका के एरिया में इन एरिया में आपसे इसकी जो टेक्निकल डिटेल है इस टेक्निकल डिटेल को लेकर के सवाल बनेगा और चांसेस भी हैं इस बार बनने के क्योंकि लगातार एल्नो ईयर चल रहा है और ये दसवां साल है मतलब 2014 से अगर देखेंगे तो दसवां साल है जहां पर एलिनो ईयर कंडीशन चल रही है तो लगातार ही आते रह रहे हैं तो इस वजह से एक चांस जरूर है इस पर बनने के एयर मास और फ्रंट को लेकर के है तो यहां पर भी देखेंगे 2021 में देखिए सवाल पूछा गया है, लास्ट की एयर मास की इंपॉर्टेंस क्या है और मतलब किस तरीके से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है तो यहाँ पर देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेकर के ही सवाल बनेगा तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही मेन हमें यहाँ पर देखनी है इसके अलावा जो क्वेश्चन है जैसे कि फ्रंटो जेनेसिस एंड फ्रंटोलिसिस की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताइए ओशियन करंट का एयर मास पर क्या इंपैक्ट आता है फ्रंटो जेनेसिस कंट्रीब्यूट टू वेदर इनस्टेबिलिटी फिर एयर मासेस की कंडीशन को लेकर के तो ये सब जो अगेन सारी चीज़ें जितनी भी है वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं कुछ भी ऐसा चरट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है साइक्लोन को लेकर के सवाल है और साइक्लोन को लेकर के जो सवाल बनेगा वो अरेबियन पेनिसुला वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के बनेगा या फिर जो अलग अलग साइक्लोन्स अलग अलग एरियाज में आ रहे हैं द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स ये आपसे एक सवाल बन सकता है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ठीक है और इन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी का जो हमारे एल इवेंट्स हैं या फिर आपकी जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन इवेंट है इन सबसे क्या लिंक है ये एक सवाल बन सकता है ठीक है क्योंकि ये सब प्रेशर ओरिएंटेड है और ये प्रेशर के साथ में ही चीजें लिंक होती हैं ठीक है डिस्कस प्रोटीक अच्छा एक और चीज होती है एक्चुअली क्या है एल निनो का डायरेक्ट लिंक होता है हरिकेन के साथ में ठीक है तो अगेन ये भी एक चांस है इस इस चीज को हाईलाइट किया जाए क्वेश्चन के फॉर्मेट में कि कैसे लिंक होती है या फिर क्यों एलिनो ईयर में अमेरिका में हरिकेस ज्यादा आते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारे सवाल बनने के चांसेस है एंड इसी पर सवाल बनने के चांसेस है अदरवाइज ये सब चीजें तो बेसिक है इसकी एलिनो मतलब आई वगैरह को लेकर के सवाल होते हैं 2023 में देखिए जैसे सवाल बना हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक एंड वेदर कंडीशन एसोसिएटेड विद एंटीसाइक्लोन गिविंग सूटेबल एग्जांपल है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है सोलह में इसी तरीके से ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन की कंडीशन को कंपेयर करना था स्टॉम सॉर्जेज एंड सीजेस के बारे में पूछा गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन के बारे में पूछा गया है पोलर फ्रंट के बारे में पूछा गया एटसेट्रा एटसेट्रा बाकी सब चीज़ें सेम है बाकी सब चीज़ें बस वही है कि जो आपके सिलेबस में दिया गया है बस उसी के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आपको यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेशन है जो मेरा इस बार का अंदाजा है वो यही है कि एल लिनो को लिंक किया जाएगा इस टेम्परेट और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनके साथ में कि कैसे ये बनते हैं हैं क्या यहां पर आ रही बाकी टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन अगेन देखिए आर्टिफिशियल रेन को लेकर के ही अगर सवाल बना तो बना अदरवाइज पर कोई ऐसा सवाल नहीं है अब 2021 का जैसा सवाल है कि मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर वेरिड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑन द कॉन्टिनेंट तो बस रेनफॉल कंडीशन को लेकर के पूछा जा रहा है बाकी इसके अलावा ह्यूमिडिटी के बेसिक कंसेप्ट को आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि ह्यूमिडिटी का सॉरी ह्यूमिडिटी के तीनों जो फॉर्मुल हैं अब सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गई इन सबको हमें मेनली देखना होगा क्योंकि इनसे सवाल बाकी जितने भी वो सब हल हो जाएंगे वेदर एंड क्लाइमेट को लेकर के सवाल है ये मतलब एक चांस ज़रूर है इस पर ज़रूर बन सकता है कि वेदर एंड क्लाइमेट एंड द चेंजिंग पैटर्न ऑब्वियसली चेंजिंग पैटर्न को लेकर के अब सवाल बन सकता है क्योंकि अब जैसे इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि आर्कटिक एम्पलीफिकेशन का केस चल मतलब ये सब न्यूज़ में रहा है एम्पलीफिकेशन का केस हो गया या फिर बोरियलाइजेशन हो गया ठीक है ट्रॉपिकलाइजेशन हो गया ये सब जो टर्म रहे हैं न्यूज में वो उस कारण से ये जो वेदर एंड क्लाइमेट वाली जो इवेंट है ये एक न्यूज में रही है तो इससे एक चांस है कि इस पर भी सवाल बनेगा ठीक है इसके अलावा देखिए माउंटेन बायोम ये सब बेसिक क्वेश्चन ही पूछा गया इक्कीस में जैसा पूछा गया है कि कॉजेज ऑफ लाइटनिंग डिस्क्राइब द थ्रेट एसोसिएटेड विद इट तो ये हमारा लाइटनिंग को लेकर के सवाल पूछा गया है कि कैसे ये लाइटनिंग वाली चीजें आ रही हैं बाकी इसके अलावा कप्पेन थॉन्ड वाइट त्रिवार्था की क्लासिफिकेशन है और मैं कहूँगा ये तो प्योर रट्टा मारने वाली चीज़ है इसमें कुछ है नहीं ये रट्टा मारने वाली ये, ये अपना जो है ए बी सी डी करके लिखे हुए थे वही चीज़ पूछी गई और देखिए पूछ ली जाती है जैसे दो में पूछा गया था बेसिस एंड स्कीम ऑफ जी टी तो इसको रट्टा मार करके जाना है कि चाहे कोपेन हो चाहे थॉन्ड हो चाहे त्रिवार्था हो मतलब चांसेस होते हैं तीनों में से किसी एक का एक साल पूछ दिया जाए तो ये सब ऐसे होते हैं ना जहाँ पर आपका जैसे मान लीजिए पंद्रह नंबर का सवाल है तो यू कैन ईजिली फेच यहाँ पर जो होता है नौ से दस कुछ नंबर आप बड़े आराम से लेकर के आ सकते हैं क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है सीधे उठा करके लिख देना होता है कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है तो इस तरीके के सवाल को थोड़ा सा खींच लेना चाहिए क्योंकि हर क्वेश्चन क्यों में दिमाग ही लगाने लग जाएंगे तो फिर पेपर कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक है तो चलिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को लेकर के क्वेश्चन है अब देखिए हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन को लेकर के अगर पूछा तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को लेकर के ही सवाल बनेगा क्योंकि यही न्यूज में रहे हैं रिपोर्ट भी इसी को लेकर के आई थी तो यहाँ पर यही यही वैपो ट्रांसपरेशन को लेकर के जो थाट ने बोला है इसके फॉर्मूला को लिख लेना है बाकी तो देखिए सेम सेम थी वही बेसिक अंडरस्टैंडिंग की चीजें कुछ है नहीं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंडरोल एंड रिस्पॉन्स ऑफ मैन इन क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के सवाल है ये कंटेम्प्रेरी बेसिस है मतलब ये वैसी चीज़ है जहाँ पर डब्ल्यू ने अपनी कोई रिपोर्ट निकाली है या आई ने कोई रिपोर्ट निकाली है आई ने अपनी कोई रिपोर्ट निकाली है तो इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर सवाल बन जाते हैं और ये जो सवाल होते हैं ये मतलब आराम से लिखे जा सकते हैं बस यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि हमें अपने मॉडल वगैरह का इस्तेमाल करके लिखना होता है तो हमें बेसिकली इस टॉपिक में यही सीखना है कि कैसे हम मॉडल वगैरह का इस्तेमाल करेंगे सत्रह का सवाल है क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी अब ये जैसे वो पिक्चर आई थी ना Uh, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ऑस्कर मिला था जिसे पिक्चर को तो क्लाइमेट चेंज जैसे रियलिटी वो बेसिकली एक डायलॉग था उसी को लेकर के यहाँ कॉपी कर दिया गया है इसके अलावा वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज रिसर्च प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया है इसके जो प्रोजेक्ट है तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि ये जो इंस्टीट्यूशन अपनी रिपोर्ट निकालते हैं इसी इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट के बेसिस पर आप एक डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इन्हीं सब चीजों पर हमारा फोकस भी देखिए जो बेसिक्स है उसको हम लोग करेंगे लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे लेकिन जो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर सवाल बनने के चांसेस हैं या रिपोर्ट वगैरह हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में करना है अल्टीमेटली जो मेन फोकस एरिया होने वाला है इस डिस्कशन क्लास का इस सीरीज़ का वो यही है कि आप अगर इस लेवल पर हैं तो एटलीस्ट आप जंप करके इस लेवल पर आएं, जिससे कि कुछ फ़ायदा हो एग्ज़ाम में फ़ायदा हो नंबर बढ़ने चाहिए अगर आप 250-260 नंबर लेकर के आ रहे हैं तो इस साल आपके 310 नंबर आने चाहिए तो यही जो चालीस पचास नंबर का जो गैप है यही आपको फिल करना है जी में नंबर उठाना बहुत मुश्किल होती है ऑप्शनल वगैरह में नंबर उठाना काफ़ी आसान होता है और इंटरव्यू में आपके हाथ में नहीं होता है तो इस वजह से जितना आप ज़्यादा ऑप्शनल में खींच लेंगे वही चीज़ आपको करनी है ठीक है तो ये सब आ, कुछ है नहीं अब इसके अलावा आपका क्लाइमेटोलॉजी और अर्बन क्लाइमेट को लेकर के जो कंटेम्प्रेरी बनेगा तो अर्बन क्लाइमेट एंड देयर इंपैक्ट ऑन ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज अगेन देखिए इन्हीं मॉडल्स को लेकर के ही कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो भी

तो डिटेलिंग करनी है ठीक है तो ऐसे ही सारे में क्वेश्चन पूछा गया है एक बार रीड कर लीजिएगा क्या क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइम की पॉजिटिटी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी अब थोड़ा सा कर रहा हूं टेंपरेचर एंड सेलिनिटी ऑफ द ओशियन अब देखिए ये जो टेम्परेचर एंड सेलिनिटी ऑफ द ओशन को लेकर के जो सवाल है वो अगेन यहां पर जो बना वो किसी ना किसी रिपोर्ट के बेसिस पर ही बनेगा कोई ना कोई रिसर्च के बेसिस पर ही बनेगा इसी को हम लोग मेन डिस्कस कर लेंगे कि क्या है जैसे आपका 2023 में सवाल है कि हाउ आर ओशन करेंट्स जनरेटेड अब जैसे अटलांटिक मेरिडियन को लेकर के अभी फिलहाल बहुत न्यूज में बना हुआ है अटलांटिक मेरिडियन को लेकर के तो इसको जरूर लिंक किया जा सकता है इस ओशन करंट के साथ में एंड डिस्कस देयर इफेक्ट ऑन कोस्टल क्लाइमेट विद स्पेशल रेफरेंस टू पैसिफिक ओशियन तो ये सवाल बिल्कुल अगेन बन सकता है हजार असोसियज द राइज ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर हो गया

इसके अलावा हीट एंड सॉल्ट बजट है ये तो खैर बेसिक ही है इसमें कुछ है नहीं लेकिन देखिए एक आध सवाल इससे आने के हर साल चांसेस इसलिए रहते हैं सारा क्वेश्चन टफ़ अगर डाल देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी तो इसलिए कुछ ना कुछ यहाँ पर फैक्चुअल डिटेल वाले क्वेश्चन डाले जाते हैं अब जैसे अगर आप हीट बजट वगैरह को क्वेश्चन को लेकर मतलब पूछ लिया गया तो सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है सवाल आएगा ऐसा अगर मान लेते हैं कि चौबीस क्वेश्चन है पूरे पेपर में तो चौबीस में से बारह तेरह क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो टफ रहेंगे बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको ईजी मिलने वाले हैं ये फैक्चुअल डिटेल वाले रहेंगे और इसमें कोई फाइट नहीं है तो सब लोग कर रहे हैं फाइट इसमें है इसमें नंबर उठाना है ओशन डिपॉजिट को लेकर के जैसे पंद्रह में सवाल पूछा गया है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाजिक डिपॉजिट के बारे में बताइए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेन कि आपके यहाँ पर रेड क्ले और अलग अलग कलर जो आते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है ठीक है बाकी तो रिपीटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं वेव्स करेंट एंड टाइड को लेकर के दो हजार में जैसे सवाल बना है एक्सप्लेन द करंट ऑफ नॉर्थ अटलांटिकेंट रोल इन द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप तो ये अगेन फैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि आपको यहां पर फैक्चुअल डिटेल देनी है इस बार के प्रॉब्लम्स में भी देखेंगे, तो फैक्चुअल डिटेल पूछ दी गई थी नॉर्थ सी के पास में कौन कौन सी कंट्रीज लग रही हैं? तो ये सब कंडीशन कहीं ना कहीं बता रही है 19 में इसी तरीके का सवाल है कि हाउ आर ओशन वेव्स फॉर्म कैसे ओशन वेव बनते हैं डिस्टिंग ट्रांसलेशन अब देखिए ये जो आपसे पूछा गया है वो अंडरस्टैंडिंग को लेकर के सवाल बन रहा है तो अंडरस्टैंडिंग और फैक्चुअल ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन हमें इन फ्यूचर आने वाले टाइम में चौबीस में देखने को मिल सकता है ये भी एक एक्सपेक्टेड एरिया जरूर है ठीक है इसके अलावा देखिए रिलेशनशिप बिटवीन विंड एंड करेंट इन सीन इन इंडियन ओशन ये सब चीजें तो मेरे हिसाब से आराम से कर सकते हैं ईजी पार्ट में आ जाता है मरीन रिसोर्स बायोटिक मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स को लेकर के सवाल है जैसे तेईस में है ओशन रैंचिंग के बारे में पूछा गया है कि हाउ आर एक्वा काउ बॉय रिलेटेड टू सच एक्टिविटीज़ अब इस तरीके के ही सवाल एक्सपेक्ट करिए आने वाले टाइम में या फिर हो सकता है कि जो आपकी जो इंटरनेशनल व्हीलिंग कंडीशन है उस इंटरनेशनल व्हील को लेकर के पूछा जाए ठीक है तो ये जो हमारी ओशन की हीटिंग हो गई इन सब एरिया से क्वेश्चन मेन बनते हैं लेकिन मेन जो सवाल है वो कोरल रीफ से बनता है इसके अलावा देखिए जैसे मेरी जोन हो गया या फिर पोटेंशियल मरीन एनर्जी रिसोर्स विद रेफरेंस टू देयर बेनिफिट एंड हार्वेस्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट तो 2020 का जैसे एक सवाल है कि मरीन रिसोर्सेज आर इकोनॉमिकली वेरी सिग्निफिकेंट डिस्कस साइटिंग सूटेबल एग्जाम्पल तो ये सब रिसोर्सेज को लेकर के सवाल बन रहा है तो रिसोर्सेज को लेकर के भी आपसे अगर सवाल बना तो वही पुराने धरने पे ही रहेगा कुछ नया नहीं आने वाला है कि बायोटिक मिनरल हो गए एनर्जी रिसोर्सेज ये सब जब डिस्कस करेंगे तो ये सब क्वेश्चन आराम से किए जा सकेंगे कोरल रीफ को लेकर के मेन सवाल आपसे बन सकता है अब कोरल रीफ में है तो एक तो बेसिक होगा दूसरा हो सकता है जैसे कुछ थ्योरी को लेकर के आ जाए जैसे ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी हो गई ठीक है कोरल फॉर्मेशन को लेकर के थ्योरी पूछी जा सकती है तो जैसे डेली का हो गया डार्विन का हो गया डेविस का हो गया तो पास्ट ईयर क्वेश्चन से हमें जो पुरानी चीजें वो जो रिपीटेड हो सकती हैं उसके बारे में पता लग जाएगा और जो नया बन सकता है जैसे दो हजार बीस कंसेप्ट ऑफ कोरल ब्लीचिंग इट्स अ रिकवरी एंड माइक्रो एलिगल रेजीम शिफ्ट ड्यू टू दिस प्रोसेस अब जैसे रेड एल्गल ब्लूम होती है इसको पता होना चाहिए कि आखिर में क्या चीज है ठीक है और क्यों हो रही है किस एरिया में ज्यादा हो रही है ये और कैसे बचा जा सकता है ये चीजें अब आई तो इस पर आ सकती है अब देखिए चौदह में जैसे विल्किनसन की रिपोर्ट आई थी तो उससे रिलेटेड आ गया था कोरल की रिपोर्ट जो भी नई आई रही होगी उसको लेकर के हम लोग डिस्कस कर लेंगे देखिए मेन हमारा जो काम रहेगा वही यही बात रहेगी कि जो नया आया है उसको डिस्कस कर लिया जाए सी लेवल चेंज को लेकर के क्वेश्चन है जैसे कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ सी लेवल चेंज बेस लेवल का मतलब क्या चीज है ई चेंजेस ऑफ सी लेवल तो ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेकर के सवाल है लॉ ऑफ सी को लेकर के जैसे 2021 में सवाल है कि मरीन मेरी टाइम सिक्योरिटी इज बींग निगलेक्टेड इंडिकेट द मेजर चैलेंजेस एंड सजेस्ट सोल्यूशन इन द कंटेस्ट ऑफ लॉ ऑफ सी तो लॉ ऑफ सी को लेकर के सवाल है बेसिक मरीन पॉल्यूशन को लेकर के जैसे देखिए ये 2023 का सवाल है जिसमें पूछा गया गिवन अकाउंट ऑफ मरीन रिसोर्सेज एंड देयर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हाउ हैज मरीन पॉल्यूशन अफेक्टेड सच रिसोर्सेज तो अब ये रिसोज्री बेसिस है ये आपका हैरी बेसिस है जो हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है इसको ले, इसने रिपोर्ट जारी की थी और ये इस साल भी रिपोर्ट जारी किया हुआ है तो इसको लेकर के हमें डिस्कस करना होगा क्या चीज है बाकी इसके अलावा माइक्रो कार्बन सिंक हो गया या फिर आपकी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गई ये सब चीजें आ जाएंगी बाकी बायोलॉजी जो हमारा बायोजोग्रफी है इसके बेसिक सवाल आते हैं सॉइल जेनेसिस को लेकर के जेनेसिस ऑफ सॉइल क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को लेकर के यहाँ पर मेन सवाल जो बन जाते हैं जैसे एक है लैंड यूज लैंड कवर सॉइल टाइप फॉर एज क्वांटिटी एंड क्वालिटी इन सीमियर रीजन ऑफ द वर्ल्ड डिस्कस विद रिलेवेंट एग्जाम्पल या आपका इसी तरीके से आ, आ, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रा जोनल एंड ए जोनल तो यहां पर भी अगेन जो रहेगा वो क्लासिफिकेशन को लेकर के रहेगा जैसे मारबट की क्लासिफिकेशन एक मार्बट की क्लासिफिकेशन हम लोगों को डिटेल में देखनी होगी कौन कौन सी क्या चीजें बोली गई हैं बाकी सॉइल प्रोफाइल है, है सॉइल प्रोफाइल को organic, the, uh, में देखिए कैसा क्वेश्चन बना है जिसमें हम लोग ओ बोलते हैं ए बी सी डी इस तरीके से होता है ना तो यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट को आपको बताना है कि कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन को लेकर के सवाल है नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉइल इंडेस्टमेंट एंड इट्स इंपैक्ट ऑन फूड प्रोडक्शन अब दो चीज़ों को लिंक किया गया है जो सॉइल की डिग्रेडेशन और फूड की प्रोडक्शन अब जैसे अफ्रीका के एरिया में आपका अगर देखेंगे तो यहाँ पर फैमाइन पड़ता है फूड स्केरसिटी है और जैसे नाइजर में देखेंगे तो यहाँ पर फूड स्केयरसिटी के कारण से इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है तो इस वजह से एक चांसेस है इस पर बनने के क्वेश्चन चांसेस है अब जैसे साहिल रीजन को लेकर के हो सकता है पूछ लिया जाए जैसे अरावली में भी हम लोग ग्रीन वॉल बना रहे हैं तो इस तरीके की चीज़ों को लेकर के सवाल बन सकता है कि हाउ इट कैन इंप्रूव द कंडीशन ऑफ सॉइल ठीक है 2021 में इसी तरीके का सवाल है सॉइली रोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन अ थ्रेट टू फूड सप्लाई डिस्कस ये सब चीजें रहेंगी अगला है आ, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल अब यहां पर जैसे बायोटिक अच्छा यहां पर क्या है कि साउथ नॉर्थ साउथ डिवाइड आपको पता होना चाहिए ब्रंडकेन के बारे, बारे में बात की जाती है ब्रंडलाइन डिवीजन है इसके अलावा एक वॉलेस लाइन होती है वॉलेस लाइन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि यही टेक्निकल पार्ट बनेगा अब यहां पर देखिए जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो एक तो ये है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ ऑफ वाइल्ड प्लांट इन इंडिया अब जैसे वाइल्ड प्लांट इन्वेसिव स्पीसी ये सब न्यूज में रहे थे तो कैसे इनवेसिव स्पीसी का हम लोग इंट्रोडक्शन किए जा रहे हैं उसको भी देख सकते हैं बाकी एमनसलिज्म इज अ बायोटिक फैक्टर दैट डिटरमाइन द जोग्राफिक लिमिट ऑफ द स्पीसी एक्सप्लेन दो का सवाल है प्लांट ऑफ प्लांट जो होता है बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट तो ये सब जो होता है ये ये थोड़ा सा पार्ट रहेगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा आ सकता है कि इफेक्ट एंड कॉजेज ऑफ डीफॉरस्टेशन एट्स इंपैक्ट ऑन द पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया तो ये सब बेसिक सी चीजें हैं जो हमेशा पूछी जा सकती हैं सोशल फॉरेस्ट्री को लेकर के आप एक साल एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिएगा ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रोफॉरेस्ट्री हो गया ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बाकी मेजर जून पोल सेंटर को लेकर के सवाल बन सकते हैं क्या क्या चीजें हो रही हैं जैसे इक्कीस में ही सवाल बना हुआ है कि जीन जीनपोल सेंटर्स आर गुड होप फॉर बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन इल्यूसिडेट डिस्कस करेंगे हम लोग इन्वायरमेंटल जोग्राफी को लेकर के जब प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्रफी में 2021 में पूछा गया था की टर्म्स के बारे में डिफरेंस पूछा गया था कि डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी में क्या डिफरेंस है ह्यूमन इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन को लेकर के इसी तरीके से सवाल बन रहे हैं इक्कीस में सवाल बना हुआ है कि विद सूटेबल एक्साम्पल इलेबरेट ह्यूमन इकोलॉजिकल एडोप्टेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन इकोलॉजी एंड ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक काफी इंपॉर्टेंट काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 में इसी तरीके का है ह्यूमन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ द पीपल एंड देयर इनवायरमेंट बोथ नेचुरल एंड सोशल तो इस पर जो सवाल आएगा ये रहेगा प्योर टेक्निकल क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड ऑब्वियसली कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड चीज़ें ही रहेंगी तो डिस्कशन से ही इस पर फायदा हो जाएगा इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट टॉपिक है इससे भी सवाल देखिए बन रहा है किस में कि वॉट आर द इन्वायरमेंटल सिग्निम्प्लीशन ऑफ इकोनॉमिक जोग्रफी अब जितने भी आपसे सवाल आगे 2024 में भी आप एक्सपेक्ट करिएगा हर सवाल में आपको एक इन्वायरमेंटल एंगल मिलेगा ही मिलेगा इन्वायरमेंट एक इन्वायरमेंट हो गया इकोलॉजी हो गया ये सब फेवरेट एरिया है तो इस पर लिंक होते हुए सवाल बनेंगे मतलब एक डायमेंशन आपको ये लिखना ही लिखना है और वही सारी चीजें यहां पर भी पूछी जा रही हैं ग्लोबल एंड रीजनल इकोनॉमिक इकोलॉजिकल चेंजेस एंड इम्बैलेंस अब देखिए इस पर कोई खास ऐसा सवाल नहीं बना है और मेरे हिसाब से कुछ इस पर बनेगा भी नहीं आने वाले जो एग्जाम है अब इको मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ये सवाल बन रहा है लगातार देखिए दो में बन रहा है दो में बन रहा है, है चौदह में इसी तरीके का बना है क्वेश्चन भी टेक्निकल है कि द वेब ऑफ लाइफ इज ए सीमलेस एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसरप्शन टू वन पार्ट ऑफ द इको सिस्टम रिपल थ्रू आउट द होल अब ये एक स्टेटमेंट सीधे सीधे रिपोर्ट से लिया गया और इसी रिपोर्ट को ही एक्सप्लेन यहां पर करना है डिस्क्राइब हाउ इको सिस्टम सर्विस ऑफ हिमालय आर इसेंशियल फॉर हाईलैंड लो लैंड सस्टेनेबिलिटी इन एशिया अगेन हाईलैंड लैंड की सस्टेनेबिलिटी को लेकर के रिपोर्ट निकाली गई थी इसी रिपोर्ट को ही यहां पर एक्सप्लेन करना है सो दिस इज अगेन कंटेप्ररी बेस्ड क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली आईपीसीसी की रिपोर्ट से ही निकाल करके लाई जाएगी बाकी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट को लेकर के है यहाँ पर भी सवाल देखिए बन रहे हैं इन्वायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर लगातार क्वेश्चन बनते जा रहे हैं स्ट्रीम बेसिन एंड ड्रेनेज डिवाइडर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू डीलिनिएट वाटर शेड एरियाज और बाकी ट्वेंटी ट्वेंटी में इसी तरीके से है कि प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द लिविंग एनवायरमेंट इन मिलियन प्लस सिटीज़ इन द वर्ल्ड तो ये सब चीज़ें हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे ही तो अगेन ये जितना भी टॉपिक है आपका ये पूरे पार्ट में देखेंगे जैसे 2019 में देखिए बायोडावर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के इन्वायरमेंटल पॉलिसी को लेकर के 21 में पूछा गया है हजार को लेकर के इसी तरीके से आपसे 2020 में पूछा गया है तीन तीन सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन को लेकर के तेईस में पूछा गया अट्ठारह तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी कंटेम्प्ररी है और न्यूज़ बेस्ड है और काफी इंपॉर्टेंट है मतलब एक्सपेक्ट करिए कि हर एक सेक्शन में एक दो सवाल आपसे मिलेंगे ही मिलेंगे और इन्वायरमेंट के आप गेस कर सकते हैं फाइव टू सिक्स क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे डायरेक्ट मिल सकते हैं इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला टॉपिक है आगे गया पर्पेक्टिव हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट आ गया है ह्यूमन जोग्रफी वाले पार्ट आ, एक काम करते हैं ह्यूमन ज्योग्रफी वाले पार्ट को हम लोग जरा कल डिस्कस करते हैं और साथ में अपनी जो सीरीज है उसको भी शुरू कर देंगे तो चलिए फिर आज यहाँ स्टॉप करेंगे और ये जो पी है टेलीग्राम ग्रुप में अभी शेयर कर दिया जा रहा है तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड यूज दिस डॉक्यूमेंट इस पास्टर्ड क्वेश्चन को यूज करिए लगातार टॉपिक्स को जब पढ़िए तो उसको रीड करिए और जो हम लोग शॉर्ट नोट भी बनाएंगे वो इसी तरीके के ही टॉपिक को ही चलिए आगे बात करेंगे तो वहाँ से और आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम लोग आगे ने करने वाले हैं तो ठीक है कोई डाउट रहेगा तो फिर आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप कर सकते हैं ईमेल भी कर सकते हैं और जिसको जिसको भी दिक्कत आ रही होगी इनरोलमेंट करने में वो लोग आ, मतलब जी कर दीजिएगा या फिर जो है आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा